गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आई एम प्रिंस त्यागी, लेक्चर मैकेनिकल। फ्रेंड्स, आज जो इस टॉपिक पर हम आज डिस्कस करेंगे वो है एक्सपेंशन वाल्व्स। तो जो डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंशन वाल्व्स हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज करते हैं, उनकी फंक्शनिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट के बारे में हम फ्रेंड्स चार वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हमने कंडेंसर, कंप्रेसर और इवेपोरेटर के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको हमारे जो लेटेस्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एक्सपेंशन वाल्व्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ही एक्सपेंशन वाल्व के बारे में हम बात करते हैं कि एक्सपेंशन वाल्व की जरूरत क्या है और वो क्या काम करता है। तो एन एक्सपेंशन वाल्व डिवाइस इज ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये एक्सपेंशन डिवाइस या एक्सपेंशन वाल्व जो है वो बेसिक कंपोनेंट है, इसके बिना हमारा कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम नहीं कर सकता। बेसिक फंक्शन ऑफ ए एक्सपेंशन डिवाइस आर, फर्स्ट, रिड्यूस टू प्रेशर फ्रॉम कंडेंसर प्रेशर टू इवेपोरेटर प्रेशर। तो जो पहला काम है जो एक्सपेंशन वाल्व करता है वो हमारा है कि कंडेंसर जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर होता है उसको रिड्यूस करता है, जिससे कि रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कहां तक रिड्यूस हो जाए, इवेपोरेटर प्रेशर तक। क्योंकि कंडेंसर जो है वो हाई प्रेशर इक्विपमेंट है, हाई प्रेशर पे रन करता है, और जो रेफ्रिजरेंट हमको इवेपोरेटर में चाहिए वो लो प्रेशर जो रेफ्रिजरेंट चाहिए। तो ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर कन्वर्ट करने का जो काम है वो कौन करता है, वो करता है हमारा एक्सपेंशन वाल्व। दूसरा है, रेगुलेट द रेफ्रिजरेंट फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर लिक्विड लाइन इनटू इवेपोरेटर एट अ रेट इक्वल टू इवेपोरेशन रेट इन इवेपोरेटर। दूसरा काम जो ये करता है प्रेशर रिड्यूस करने के साथ साथ, कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसका जो फ्लो है, किस फ्लो रेट पर, किस गति से हमें रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में जाएगा, वो हमारा जो कंट्रोल करता है वो भी एक्सपेंशन वाल्व ही कंट्रोल करता है, कि जिस रेट से इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट हमारा वाष्पीकृत हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, उसी रेट पर, उसी फ्लो पे हमें पीछे से रेफ्रिजरेंट सप्लाई होता रहे। ये कौन इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है एक्सपेंशन वाल्व। क्योंकि अगर रेफ्रिजरेंट की सप्लाई इवेपोरेटर में कम हो जाएगी तो जो हमारी कूलिंग है, कूलिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, और जो हमारा रिक्वायर्ड जो फंक्शन है सिस्टम का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। आइडियली द मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट इन द सिस्टम शुड बी प्रोपोर्शनल टू द कूलिंग लोड। तो जैसे कि हमने सबसे शुरू में जो वीडियोस बनाए थे वेपर कंप्रेशन साइकिल के, उसमें हमने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और कूलिंग कैपेसिटी के बारे में कैलकुलेट किया था, और हमने कैलकुलेट किया था कि 1 kg रेफ्रिजरेंट कितना कूलिंग करता है, और उसके हिसाब से हमें जितना कूलिंग का सिस्टम है वहां से हम मास फ्लो रेट, यानी कि कितना रेफ्रिजरेंट का फ्लो हमको चाहिए, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये आइडियली है कि आइडियली अगर हमें रेफ्रिजरेंट का मास निकालना है तो वो हम कूलिंग लोड से निकाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली हमारे पास जो हमारी रियल वर्ल्ड सिस्टम्स होते हैं उसमें हमारी कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। समटाइम्स द रिक्वायरमेंट इज सच दैट ए कांस्टेंट इवेपोरेट टेम्परेचर हैज टू बी मेंटेन्ड। इन अदर केस इट इज डिजायरेबल दैट लिक्विड रेफ्रिजरेंट शुड नॉट एंटर द कंप्रेसर। तो कभी हमारा रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की होती है कि जो हमारा इवेपोरेटर है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, यानी कि इवेपोरेटर का टेम्परेचर किसी भी हालत में चेंज नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल है सबसे अच्छा जो हमारे मिल्क चिलिंग प्लांट है, जहां पर दूध को जो हमारे उसको बॉयल किया जाता है और उसके बाद में उसको फिर कूल किया जाता है, जिसका हम पाश्चराइजेशन वाला जो प्लांट होता है मिल्क का, और उसके बाद उसकी चिलिंग होती है जिससे कि दूध खराब ना हो। तो ऐसे जगह पे मिल्क चिलिंग प्लांट में स्पेसिफिकली जो हमारा टेम्परेचर है इवेपोरेटर का, या जहां पे कूल हो रहा है, वो बिल्कुल एक कांस्टेंट रखा जाता है। इन अदर केस इट इज डिजायरेबल दैट लिक्विड रेफ्रिजरेंट शुड नॉट एंटर द कंप्रेसर। और कहीं पे ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि जो कोई किसी भी
कंडीशन में, किसी भी स्थिति में जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो हमारा कंप्रेसर में नहीं जाना चाहिए। सो ये हमारे अलग अलग हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या रिक्वायरमेंट आप कह सकते हैं। देयरफॉर एन आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम शुड हैव द फैसिलिटी टू कंट्रोल इट इन सच ए वे दैट द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मिनिमम एंड द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया ऑफ टेम्परेचर एंड कूलिंग लोड आर सेटिस्फाइड। तो इस तरह से जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो तो कम हो, कि जितनी हमको बिजली चाहिए, जो इलेक्ट्रिक रिक्वायरमेंट है हमारी, वो किसी भी तरह की जो एनर्जी हम उसमें यूज कर रहे हैं वो कम से कम हो। साथ ही जो हमारा टेम्परेचर है और जो हमारा कूलिंग लोड है वो सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स, जो हमारा टेम्परेचर और कूलिंग लोड है वो, उनकी कंडीशन हमारे मीट हो जाने चाहिए। सो द एक्सपेंशन डिवाइस यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड ओपनिंग टाइप और वेरिएबल ओपनिंग टाइप। तो हमारे जो एक्सपेंशन डिवाइस होते हैं, एक्सपेंशन वाल्व्स होते हैं, उनको मोटे तौर पर ब्रॉडली हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। क्या फिक्स्ड ओपनिंग टाइप, जिनकी जो ओपनिंग है वो फिक्स रहती है, किसी भी हालत में चेंज नहीं होती है, और दूसरे हैं वेरिएबल ओपनिंग टाइप, यानी कि उनका जो ओपनिंग है उस डिवाइस का वो चेंज होता है एज पर रिक्वायरमेंट या एज पर लोड। कितना कूलिंग लोड हमारा है सिस्टम पे, उस हिसाब से उसकी ओपनिंग चेंज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जो कुछ एक्सपेंशन वाल्व्स हैं वो हमने यहां पे दिखाए हैं। तो जनरली हमारे पास सात हमारे तरह के एक्सपेंशन वाल्व्स होते हैं। पहला है हैंड या फिर मैनुअल एक्सपेंशन वाल्व, दूसरा है कैपिलरी ट्यूब्स, उसके बाद है ओरिफिस ट्यूब्स टाइप, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर और ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, जिसको हम एईवी भी बोलते हैं। उसके बाद आता है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, जिसको हम टीईवी बोलते हैं। उसके बाद फ्लोट टाइप एक्सपेंशन वाल्व आते हैं, इसके दो हैं पार्ट, पहला है हाई साइड और दूसरा है लो साइड, और लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। तो इनके बारे में हम फ्रेंड्स एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे। इसमें से जो कैपिलरी ट्यूब है और जो ओरिफिस है टाइप है, ये दोनों फिक्स्ड ओपनिंग टाइप है, बाकी सारे के सारे हमारे वेरिएबल टाइप है। तो ये जो दो हैं, जो हमने सेकंड और थर्ड पे जो लिखे हैं, कैपिलरी ट्यूब्स और ओरिफिस टाइप, ये दोनों हैं हमारे फिक्स्ड ओपनिंग टाइप। इनकी जो ओपनिंग है वो फिक्स है, एक बार जो साइज बन गया हमेशा वही रहने वाला है। बाकी जितने भी हैं इनका जो एक्सपेंशन वाल्व का जो साइज है या फिर ओपनिंग है उसको हम चेंज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लोड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हैंड मैनुअल एक्सपेंशन वाल्व। तो यहां पर हमने फ्रेंड्स एक ये हैंड ऑपरेटेड जो एक्सपेंशन वाल्व है इसको दिखाया है। इसको जनरली यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम में काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए एक आदमी को मैनुअली, ये जो ऊपर आप देख सकते हैं इसमें एक व्हील लगा हुआ है, इस व्हील को घुमाना होता है, और जिससे कि जो यहां पर ये ओपनिंग है, ये जो निडल है ये ऊपर नीचे मूव करती है। जैसे जैसे ऊपर मूव करेगी ओपनिंग ज्यादा होगी, ज्यादा फ्लो बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये वापस से नीचे आएगा तो ओपनिंग हमारी जो यहाँ पे जगह है खुला हुआ दोनों के बीच में कम होती जाएगी और फ्लो हमारा रेफ्रिजरेंट का कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही छोटे जगह पे यूज किए जाते हैं जहां पे हमारा लोड वेरी नहीं होता है ज्यादातर, और ऑटोमेटिक सिस्टम में ये बिल्कुल भी यूज नहीं किए जाते। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब क्या होता है फ्रेंड्स? कैपिलरी ट्यूब इज ए लॉन्ग नैरो ट्यूब ऑफ कॉन्स्टेंट डाया। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि जो ये वाला पोर्शन है यहां पर, ये कैपिलरी ट्यूब है। तो ये एक ट्यूब है, या एक कह सकते हैं कि पाइप है, जिसका डाया बहुत ही कम होता है और ये काफी लंबी होती है। डाया के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। यहां पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ से ये कंडेंसर से हमारा लिक्विड जो है रेफ्रिजरेंट आ रहा है, उसके बाद एक स्टेनर है जिससे कि कुछ भी अगर रेफ्रिजरेंट में आ रहा है तो कैपिलरी ट्यूब में ना फंस जाए। ये स्टेनर होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब का साइज बहुत कम होता है, एमएम में होता है इसका डाया। तो अगर कुछ भी रेफ्रिजरेंट में अगर हमारा एक्सटर्नल कोई भी चीज, बाहर की कोई भी जो चीज अगर इसमें आ गई है तो वो कैपिलरी ट्यूब को चोक कर सकती है, और कैपिलरी ट्यूब से पास होके कहां चला जाएगा? हमारा इवेपोरेटर। तो ये आप देख सकते हैं, तो हमारा कैपिलरी ट्यूब का काम कर रहा है, ये एक्सपेंशन का काम यहां पर कर रहा है।
ट्यूब डाई ऑफ रेफ्रिजरेंट कैपिलरी ट्यूब्स आर इन द रेंज ऑफ 0.5 टू 3 एमएम। तो जो टिपिकली हम जो यूज करते हैं कैपिलरी ट्यूब, उनका डायमीटर यानी कि व्यास कितना 0.5 एमएम से 3 एमएम तक वेरी करता है, और जो उनकी लेंथ होती है, लंबाई होती है 1 मीटर से 6 मीटर तक। तो आप देख सकते हैं कि जो डाया है कैपिलरी ट्यूब का वो तो हार्डली 0.5 एमएम से 3 एमएम तक है, लेकिन उनकी लेंथ 1 मीटर से 6 मीटर तक है। तो ये ट्यूब हमारी लंबी होती है और इनका डाया बहुत ही कम होता है। तो प्रेशर रिडक्शन इन कैपिलरी ट्यूब अकर्स ड्यू टू फॉलोइंग टू रीजंस। तो जो हमारी कैपिलरी ट्यूब है, यानी कि जो हमारा एक्सपेंशन वाल्व है, जो यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब काम कर रही है एक्सपेंशन वाल्व का, तो उसमें हमें क्या होना है, प्रेशर ड्रॉप होना है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट में हमको इसको कन्वर्ट करना है। तो प्रेशर ड्रॉप किसके कारण होता है? पहला है, रेफ्रिजरेंट हैज टू ओवरकम द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ट्यूब वॉल। क्योंकि जो डाया है बहुत ही कम है और मास फ्लो रेट डाया के हिसाब से काफी ज्यादा होता है, तो जो कैपिलरी ट्यूब की जो सतह है, अंदर वाली सतह जो है ट्यूब की, वो एक फ्रिक्शन घर्षण उत्पन्न करती है, जिससे हमारा बहुत सारा प्रेशर ड्रॉप होता है। दूसरा है, द लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्लैशेस इवेपोरेट्स इनटू मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर एज इट प्रेशर रिड्यूसेस। तो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो हमारा थोड़ा सा इवेपोरेट हो जाता है, और ये हमारा लिक्विड से चेंज हो जाता है मिक्सचर, किसमें, लिक्विड और वेपर में, और उसकी वजह से हमारा प्रेशर रिड्यूस होता है। कैसे होता है फ्रेंड्स? जब वेपर हमारा थोड़ा सा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, तो प्रेशर रिड्यूस कैसे होगा? डेंसिटी ऑफ वेपर इज लेस। हम जानते हैं कि जो हमारा वेपर बनेंगे उनकी जो डेंसिटी होगी वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट से कम होगी, हेंस द एवरेज डेंसिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट डिक्रीजेस एज इट फ्लोज। और तो इससे क्या होगा कि जो ओवरऑल डेंसिटी है वो हमारी कम हो जाएगी पहले के मुकाबले, लेकिन हमारा जो मास फ्लो रेट है वो तो हमारा कांस्टेंट है। और मास फ्लो रेट हमारा कैसे देते हैं हम? किसी भी डिवाइस में अगर मास हमारा कांस्टेंट है तो उसका फॉर्मूला होता है रो ए वी। तो रो है हमारा डेंसिटी, ए है एरिया, और वी है वेलोसिटी। तो हमारा जो डेंसिटी है वो तो कम हो गई, क्योंकि हमारा कुछ रेफ्रिजरेंट जो है वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, वेपर बन गया, तो हमारी डेंसिटी कम हो गई। एरिया जो है वो कांस्टेंट है, तो कौन सी चीज बढ़ सकती है एम को कांस्टेंट रखने के लिए? वो है हमारी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है वो हमारी अगर बढ़ गई, तो हमको मालूम है कि जो हमारी टोटल हेड होता है, टोटल प्रेशर में तीन चीजें होती हैं। एक होता है वेलोसिटी हेड, दूसरा होता है हमारा हाइट, जिसको हम डेटम हेड बोलते हैं, जो हम जेड से जिसको हम लिखते हैं बर्नौली थ्योरम में, और तीसरा होता है हमारा प्रेशर हेड। तो अगर वेलोसिटी हमारी बढ़ गई तो हमारा कौन सा हेड कम हो जाएगा? प्रेशर हेड कम हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल हेड तो हमारा कांस्टेंट ही रहने वाला। सो इस वजह से हमारा जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बढ़ना है, इंक्रीज इन वेलोसिटी लीड्स टू प्रेशर ड्रॉप। तो दो वजह से हमारा यहां पर प्रेशर ड्रॉप होता है, एक तो फ्रिक्शन की वजह से, और दूसरा है कि जो रेफ्रिजरेंट है उसका कुछ पोर्शन लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है कैपिलरी ट्यूब में, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है, तो उसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ जाती है और हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है। वंस ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ सम डाया एंड लेंथ हैज बीन इंस्टॉल्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मास फ्लो रेट थ्रू इट विल वेरी इन सच ए मैनर दैट टोटल प्रेशर ड्रॉप थ्रू इट्स मैचेस विद द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन कंडेंसर एंड इवेपोरेटर। तो एक बार हमने ये यहाँ पे हमने एक दूसरा फिगर भी दिखाया है, तो ये भी कैपिलरी ट्यूब है, इसका डाया थोड़ा सा ज्यादा है, और ये फिगर हमने थोड़ी बड़ी करके भी दिखाई है जिससे आप आसानी से देख सके। तो एक बार अगर किसी सिस्टम में हमने कैपिलरी ट्यूब को फिक्स कर दिया, तो उसके जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि कंडेंसर प्रेशर और इवेपोरेटर प्रेशर में कितना डिफरेंस है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो फ्लो रेट है वो हमारा कैपिलरी ट्यूब में फ्लो होगा। साथ ही इट कैन नॉट एडजस्ट इट्सेल्फ टू वेरिएशन ऑफ लोड इफेक्टिवली, क्योंकि जो हमारी कैपिलरी ट्यूब है इसका डाया भी फिक्स है और लेंथ भी फिक्स है, तो इसलिए अगर हमारा कूलिंग लोड कम होता है या बढ़ता है तो
ये कैपिलरी ट्यूब उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर सकती। फ्लो रेट हमारा सिर्फ दो ही एक ही चीज पे वेरी करेगा, वो है हमारा प्रेशर डिफरेंस बिटवीन कंडेंसर एंड द इवेपोरेटर। जब तक कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच का प्रेशर सेम रहेगा, तब तक रेफ्रिजरेंट का फ्लो सेम रहेगा, लोड से कोई भी वेरिएशन इसमें नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, इसी वजह से जो कैपिलरी ट्यूब है वो हमारे जो छोटे या जो डोमेस्टिक सिस्टम्स हैं उनमें यूज करी जाती हैं। आप देखेंगे कि अगर आपके जो घर में रेफ्रिजरेटर है उसमें उसके बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको एक कॉइल जैसा दिखाई देगा जो कि कैपिलरी ट्यूब है और जो एक्सपेंशन का काम करती है। ऐसे ही हमारे जो एसी होते हैं डोमेस्टिक एसी, उसमें भी कैपिलरी ट्यूब को यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं है, क्योंकि कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं है। एक बार इसको लगा दिया तो इसको फिर छेड़ने की जरूरत नहीं है और ना ही इसकी किसी तरह की देखरेख करने की इसकी जरूरत है। तो छोटे सिस्टम्स जहां पे लोड वेरिएशन के चांसेस कम होते हैं वहां पर इसको हम सक्सेसफुली यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एईवी भी कहा जाता है। तो एईवी इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व, इसको कॉन्स्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो इवेपोरेटर है उसमें कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करके रखा जाता है। यानी कि इवेपोरेटर में हर कंडीशन में कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, लोड चाहे हमारा कम हो चाहे ज्यादा हो, ये वाल्व की मदद से रेफ्रिजरेंट का फ्लो इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि इवेपोरेटर के अंदर प्रेशर कांस्टेंट बना रहे। और अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो उसके साथ साथ टेम्परेचर भी इवेपोरेटर में हमारा कांस्टेंट रहेगा। सो ये कांस्टेंट प्रेशर वॉल्व भी हम इसको बोलते हैं। यहां पर इसका एक फिगर भी बनाया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से फंक्शन करता है। वॉल्व कंसिस्ट ऑफ ए एडजस्टमेंट स्प्रिंग दैट कैन बी एडजस्टेड टू मेंटेन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इन द इवेपोरेटर। तो यहां पर सबसे ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये एक एडजस्टिंग स्क्रू है, ये ऊपर में एक कट हुई है, तो यहां पर आप स्क्रू ड्राइवर से इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो जब आप स्क्रू को आप कम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है यहां पर, ये वाली जो आप स्प्रिंग आप देख रहे हैं, ये एक फोर्स एडजस्ट होगी किस पर, इस डायफ्राम पर। जो ये डायफ्राम है, इस डायफ्राम पर इस स्प्रिंग की वजह से एक फोर्स लग रहा है जो कि क्या है, Fs। तो जैसे ही आप इस स्क्रू को एडजस्ट करेंगे, बढ़ाएंगे, मतलब ऊपर की तरफ निकालेंगे या अंदर की तरफ पुश करेंगे, तो ये जो Fs है ये चेंज होगा। साथ ही है एक F0, आप यहां पे देख रहे हैं, ये फोर्स है हमारा एटमोस्फेरिक जो प्रेशर है उसकी वजह से, क्योंकि ये यहां पर ये जो एरिया है वो एटमोस्फेरिक के लिए ओपन है। तो डायफ्राम के जो ऊपर वाली साइड से दो फोर्स लग रहे हैं फ्रेंड्स, एक F0 है बाहर की जो हवा है उसकी वजह से जो एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और साथ ही ये जो स्प्रिंग है इसकी वजह से एक फोर्स लग रही है Fs। अब बात करते हैं डायफ्राम के नीचे वाली साइड से, तो नीचे वाली साइड से भी हमारी दो फोर्स लग रही हैं, एक है Fs और एक है Fe। जो Fe है ये है हमारा इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट है उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है, और जो Fs है वो फ्रेंड्स जो ये नीचे जो एक स्प्रिंग है फॉलो अप स्प्रिंग, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है ये है Fs। तो नीचे से भी दो फोर्स हैं और ऊपर से भी दो फोर्स लगे हुए हैं, इन दोनों फोर्स से हमारा जो डायफ्राम है वो बैलेंस में रहता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये जो डायफ्राम है इसके साथ एक निडल कनेक्ट है, और नीचे जाके ये एक यहां पर ये ट्रायंगल जैसा इसका एक कंपोनेंट है जो इस ओपनिंग को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर ये डायफ्राम नीचे होगा तो निडल नीचे आएगी और इसको ये नीचे कर देगा और ये ओपनिंग खुल जाएगा। ऐसे ही अगर डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि Fs और प्लस Fe ज्यादा हो जाएंगे, तो ये निडिल ऊपर जाएगी, साथ ही इस कंपोनेंट को भी ऊपर खींचेगी और ये ऑरिफिस हमारा बंद हो जाएगा। तो जैसे ही ऑरिफिस खुलेगा तो सप्लाई जो है इवेपोरेटर को, यहां पर देखिए आप देख सकते हैं कि इवेपोरेटर के लिए यहां पर सप्लाई है गई हुई है, तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो नीचे से आ रहा है। तो अगर ये ओपनिंग ज्यादा खुलेगा तो ज्यादा रेफ्रिजरेंट जाएगा, और ओपनिंग कम खुलेगा तो कम रेफ्रिजरेंट जाएगा इवेपोरेटर।
तो हमने बात कर लिया एफएस। एफएस जो है ऊपर वाली जो स्प्रिंग है जो एडजस्टेबल स्क्रू के साथ लगी हुई है, जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ये इसकी वजह से उत्पन्न होती है। और जैसे भी हम इसको एडजस्ट करके इस स्क्रू की मदद से इवेपोरेटर में हमें कितना टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करना है वो हम कर सकते हैं। अगर हम इसको स्क्रू को टाइट कर देंगे, अंदर की तरफ पुश पुश कर देंगे, तो एफएस बढ़ जाएगा, यानी कि अंदर में जो प्रेशर है वो भी हमारा बढ़ जाएगा। और अगर हम इसको लूज कर देंगे, ये बाहर की तरफ स्प्रिंग ओपन हो जाएगी, तो एफएस कम हो जाएगा। एटमोस्फेरिक प्रेशर हम बात कर चुके हैं फ्रेंड्स, पी ऑल्सो एक्ट्स ऑन द डायफ्राम, और उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है F0, वो किसके बराबर हो जाएगा, पी प्रेशर और डायफ्राम का जो एरिया है, अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बन जाएगा F0, हमें मिल जाएगा, जहां पर ए है एरिया ऑफ डायफ्राम। अब बात करते हैं डायफ्राम के नीचे वाली साइड से जो फोर्स लग रहे हैं फ्रेंड्स, वो है फोर्स ड्यू टू इवेपोरेटर प्रेशर इज Fe। Fe जो है वो इवेपोरेटर की वजह से प्रेशर है, इवेपोरेटर में जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसकी वजह से प्रेशर लग रहा है। तो Fe अगर हमको कैलकुलेट करना है तो प्रेशर इन इवेपोरेटर PE और मल्टीप्लाई बाय A क्या है, एरिया ऑफ डायफ्राम। द नेट डाउनवर्ड फोर्स इज Fs प्लस FO माइनस Fe। तो अगर कुल मिला के नीचे की जो स्प्रिंग है, नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स कितनी होगी फ्रेंड्स, Fs प्लस FO जो ऊपर से लग रहा है, और माइनस Fe जो कि ऊपर की तरफ लग रही है, ये नेट फोर्स लग रहा है किस पे, निडल पर नीचे की तरफ। और नेट फोर्स अलोंग विद द फोर्स ड्यू टू फॉलो अप स्प्रिंग Fs कंट्रोल द लोकेशन ऑफ द निडल विद रेस्पेक्ट टू द ऑरिफिस। तो ये जितनी फोर्स हमारी हमने लगाई, ये इसकी वजह से जो ये Fs है इस वाले स्प्रिंग पे जो है, नीचे जो फॉलो अप स्प्रिंग है, ये दोनों मिलकर ये तय करेंगे कि जो हमारा निडल है वो कितना ऊपर या नीचे मूव करेगा। तो हमारे पास फ्रेंड्स दो केस बनते हैं। पहला केस है केस वन, Fe प्लस FFS, यानी कि नीचे वाली दो फोर्सेस, ये दोनों का सम जो है वो ज्यादा है किससे, ऊपर वाली FO और FS से, यानी कि नीचे से फोर्स ज्यादा लग रहा है डायफ्राम पे। तो क्या होगा, डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करेगा, उसके साथ निडल भी ऊपर मूव करेगा, जो ये निडल है फ्रेंड्स, और निडल ऊपर मूव करेगा तो ये ऑरिफिस हमारी इस वाल्व से बंद हो जाएगी, यानी कि जो इवेपोरेटर को जाने वाला रेफ्रिजरेंट है उसका फ्लो कम हो जाएगा। एम रेफ्रिजरेंट जो है ये कम हो जाएगा। दूसरा केस है फ्रेंड्स, जहां पर Fe प्लस FS, यानी कि जो नीचे से लगने वाली दोनों फोर्स हैं, उनका सम कम है Fs और FS से, यानी कि ऊपर से फोर्स जो लग रहा है वो ज्यादा है, यानी कि डायफ्राम हमारा कहां मूव करेगा, नीचे की तरफ। डायफ्राम नीचे जाएगा तो वो निडल को नीचे पुश करेगा, और यहां पर जो हमारा ये ऑरिफिस है, जो ये जगह है ऑरिफिस, ये ओपन हो जाएगा, ये जगह खुल जाएगी। तो मास फ्लो रेट ऑफ आर जो है, जो जाने वाला है इवेपोरेटर को रेफ्रिजरेंट, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व काम करता है और एक कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन करता है इवेपोरेटर में। तो फ्रेंड्स अब ये यूज कहां पे होता है, द ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व आर यूज्ड वेदर वेयर कांस्टेंट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड एंड कूलिंग लोड इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो ये कहां यूज करते हैं, जहां पे हमें कांस्टेंट टेम्परेचर की जरूरत होती है, साथ ही हमारा जो कूलिंग लोड है वो भी कांस्टेंट होता है। तो इसके एग्जांपल हैं फ्रेंड्स हमारा मिल्क चिलिंग यूनिट्स और वाटर कूलर्स वेयर फ्रीजिंग इज डिजास्ट्रस। तो यहां पर वाटर कूलर है, वहां पे अगर फ्रीजिंग हो जाएगी किसी भी कंडीशन में तो हमारा पूरा सिस्टम चोक हो जाएगा। तो ऐसे में जो हमें कॉन्स्टेंट टेम्परेचर चाहिए होता है दोनों ही जगह पे, तो इस जगह पे हम ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व यूज करते हैं। इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम इट इज यूज वेन ह्यूमिडिटी कंट्रोल इज बाय DX² टेम्परेचर। ये कुछ एयर कंडीशनिंग यूनिट में भी यूज किया जाता है जहां पर ह्यूमिडिटी कंट्रोल हमारा होता है। AEV आर सिंपल इन डिजाइन एंड आर इकोनॉमिकल। इनकी जो एक खासियत है कि ये सिंपल होते हैं डिजाइन में और साथ ही इकोनॉमिकल, यानी कि बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते। दीज आर ऑल्सो यूज इन होम फ्रीजर्स। तो जो घरों में या जो फ्रीजर्स होते हैं या स्मॉल कमर्शियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं, वहां पर इनको हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर के साथ यूज किया जाता है।
हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमने हमारी जो पहली वीडियो बनाई है कंप्रेसर का उसमें बताया गया है। नॉर्मली द यूजेज इज लिमिटेड टू सिस्टम लेस देन 10 TR कैपेसिटी विद क्रिटिकल चार्ज। तो ये कहां पे यूज किए जाते हैं फ्रेंड्स, ऐसे सिस्टम में यूज किए जाते हैं जहां पे कैपेसिटी 10 TR 10 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन से कम है और साथ ही जो क्रिटिकल चार्ज के साथ इसको फिल किया जाता है। तो क्रिटिकल चार्ज हैज टू बी यूज्ड सिंस सिस्टम यूजिंग AEV इज प्रोन टू फ्लडिंग। क्रिटिकल चार्ज जो होता है फ्रेंड्स उसके साथ AEV को यूज किया जाता है क्योंकि AEV में फ्लडिंग हो जाती है। फ्लडिंग का मतलब होता है कि फ्रेंड्स जो हमारा इवेपोरेटर है जब सिस्टम बंद होता है तो सारा का सारा जो फ्लो है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है सारा का सारा वो बहकर इकट्ठा हो जाता है कहां पर, इवेपोरेटर में। इसको हम बोलते हैं फ्लडिंग। तो ऐसे में रेफ्रिजरेंट सिर्फ उतना ही भरा जाता है कि किसी भी कंडीशन में जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो इवेपोरेटर को ओवरफ्लो ना कर दे, यानी कि इवेपोरेटर से पूरा का बाहर न जाके कंप्रेसर में न चला जाए, यानी कि सिर्फ उतनी ही कैपेसिटी में ऐसे सिस्टम में हम रेफ्रिजरेंट को उतना ही भरते हैं कि सारा का सारा रेफ्रिजरेंट अगर फ्लो होके इवेपोरेटर में आ जाए तो वो इवेपोरेटर के अंदर ही रहे, इवेपोरेटर से ओवरफ्लो ना हो जाए। तो ऐसी चार्जिंग को हम बोलते हैं क्रिटिकल चार्ज। हेंस नो रिसीवर्स आर यूज्ड इन दिस सिस्टम, क्योंकि ये क्रिटिकल चार्ज वाले सिस्टम है तो इसीलिए इनमें रिसीवर्स भी हम यूज नहीं करते। नेक्स्ट है फ्रेंड्स थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TEV। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व इज द मोस्ट वर्सेटाइल एक्सपेंशन वाल्व एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक्सपेंशन वाल्व है। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व मेंटेन्स ए कॉन्स्टेंट डिग्री ऑफ सुपरहीट एट द एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर। ये क्या करता है फ्रेंड्स कि जो इवेपोरेटर के बाहर, यानी कि ये हमारा इवेपोरेटर है और ये है इसका एग्जिट, यहां पर जो हमें रेफ्रिजरेंट मिल रहा है उस पे एक कांस्टेंट डिग्री ऑफ सुपरहीट वो हमको देता है, यानी कि पूरी तरह से इवेपोरेट होने के बाद कुछ डिग्री का सुपरहीट हमको मिलेगा और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये इसकी जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जो TEV है वो क्या करता है, वो एक कांस्टेंट डिग्री ऑफ सुपरहीट मेंटेन करेगा एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर पे, यानी कि ये हमेशा इस तरह का एक्सपेंशन वाल्व अगर हम यूज करेंगे तो कंप्रेसर में हमेशा हमारी सिर्फ रेफ्रिजरेंट का वेपर जाएगा किसी भी कंडीशन में, जो इवेपोरेटर से कोई भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा कंप्रेसर में नहीं जाएगा। इट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर ड्राई इवेपोरेटर्स इन प्रिवेंटिंग द स्लगिंग ऑफ कंप्रेसर सिंस इट डज नॉट अलाउ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट टू एंटर द कंप्रेसर। तो ये कंप्रेसर को किसी भी तरह का जो नुकसान होता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट से उसको अवॉइड करता है, इसीलिए जो हमारे ड्राई इवेपोरेटर्स हैं उनके लिए बेस्ट सूटेड है। सो फ्रेंड्स ये जो काम कैसे करता है, यहां पे देखिए ये एक फिलर बल्ब है। फिलर बल्ब मतलब यानी कि ये फील करता है, ये टेम्परेचर को सेंस करता है। जो रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर से निकल के कंप्रेसर को जा रहा है वो इस फिलर बल्ब के ऊपर से या पास से होके जाता है और ये फिलर बल्ब उसका टेम्परेचर सेंस करता है। जब ये उसका टेम्परेचर सेंस करता है तो यहां पर एक कैपिलरी ट्यूब है, इस कैपिलरी ट्यूब में एक लिक्विड भरा रहता है और उस लिक्विड में जैसे ही टेम्परेचर अपने सेट वैल्यू से कम या ज्यादा होगा तो जो इस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड भरा हुआ है वो या तो एक्सपेंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसकी वजह से यहाँ पे जो ये डायफ्राम है, इस डायफ्राम पे या के साथ एक बेलोज जुड़ी हुई है, इन पर एक प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा और अकॉर्डिंगली ऐसे ही फंक्शन होगा जैसे हमारा पिछले वाले वाल्व में देखा था। ये नीडल हमारी ज्वाइंट है इस बेलोज के साथ, अगर प्रेशर ऊपर बढ़ गया तो ये बेलोज इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगी और फ्लो रेफ्रिजरेंट का बढ़ जाएगा, और अगर प्रेशर ऊपर कम हो गया तो ये ऊपर की तरफ डायफ्राम जाएगा और फ्लो रेफ्रिजरेंट का कम हो जाएगा। सो दिस कंसिस्ट ऑफ ए फिलर बल्ब दैट इज अटैच्ड टू द इवेपोरेटर एग्जिट ट्यूब सो दैट इट सेंस द टेम्परेचर एट द एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर। तो जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स कि एक फिलर बल्ब लगा होता है इवेपोरेटर के एग्जिट पे और ये टेम्परेचर को लगातार सेंस करता रहता है। फिलर बल्ब इज कनेक्टेड टू टॉप ऑफ द बेलोज बाय ए कैपिलरी ट्यूब।
मैंने जैसे आपको दिखाया फ्रेंड्स कि जो फिलर बल्ब है वो एक कैपिलरी ट्यूब की मदद से जो बेलोज है उसके ऊपर वाले हिस्से के साथ जुड़ा होता है। फिलर बल्ब एंड द नैरो ट्यूब कंटेन्स सम फ्लूड दैट इज कॉल्ड पावर फ्लूड। तो जो कैपिलरी ट्यूब में और फिलर बल्ब में जो फ्लूड हम भरते हैं, लिक्विड भरते हैं, उसको हम बोलते हैं पावर फ्लूड। पावर फ्लूड में भी सेम और में भी डिफरेंट। तो जो पावर फ्लूड है या तो वो रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं तो वही हो सकता है या फिर वो अलग हो सकता है। इन केस इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट देन टीवी इज कॉल्ड टीवी विथ क्रॉस चार्ज। अगर जो ये कैपिलरी ट्यूब है और फिलर बल्ब है इसमें रेफ्रिजरेंट के अलावा कोई दूसरा लिक्विड अगर यूज किया जाता है तो ऐसे थर्मो स्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व को हम बोलते हैं थर्मोस्टेटिक वाल्व विद क्रॉस चार्ज। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे जो ये वीडियो है हम इसको यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। जो बचे हुए हमारे एक्सपेंशन वाल्व्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।